भारत का वेस्ट इंडीज दौरा जारी है। टीम इंडिया पहले T20I में हार के बाद दूसरा मैच खेलने के लिए तैयार है। पहले मैच में भारत को बहुत करीबी अंतर से हार मिली थी। हार्दिक की कप्तानी वाली टीम निश्चित तौर पर इस मैच से वापसी करना चाहेगी। भले ही ये वनडे वर्ल्ड कप का साल है, लेकिन T20I मैच में भी भारतीय टीम बेहतर करना ही चाहेगी। ये मैच खास तौर से सूर्य कुमार यादव के लिए बहुत जरूरी होगा। सूर्य को टीम इंडिया एशिया कप और वर्ल्ड कप में उतारना चाह रही है, लेकिन उनका बल्ला इस प्लान के साथ तालमेल नहीं बिठा पा रहा। साथ ही शुभमन गिल भी इस टूर पर कुछ खास नहीं कर पाए हैं। संजू सैमसन के नाम एक अच्छी 50 है, लेकिन वर्ल्ड कप जाने के लिए उन्हें और बेहतर करना ही होगा। बीते मैच में डेब्यू करने वाले तिलक वर्मा बेहतरीन दिखे, लेकिन सिर्फ एक मैच के दम पर उन पर कमेंट करना जल्दबाजी होगी। ऐसे में इस मैच के लिए हार्दिक और उनके साथियों को बेहतर प्लान के साथ उतरना होगा। हार्दिक ने पिछले मैच के बाद कहा भी था कि वो इस सीरीज में नए एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं और अगले बरस होने वाले T20 वर्ल्ड कप से पहले हो रहे इन प्रयोगों में यंग प्लेयर्स का बड़ा रोल होगा। टीम इंडिया ने रोहित विराट को लगभग T20I से किनारे कर ही दिया है, ऐसे में इन प्लेयर्स का रोल और बढ़ जाता है। ये सूर्य कुमार का पसंदीदा फॉर्मेट है, टीम को उनसे खूब सारे रन की उम्मीद होगी। वनडे में उनके स्ट्रगल से फैंस परेशान हैं और इस फॉर्मेट में रन बनाकर वो एशिया कप से पहले फॉर्म पा सकते हैं। साथ ही संजू सैमसन को भी निरंतरता दिखानी पड़ेगी, लंबे वक्त से वो टीम इंडिया में अंदर बाहर हो रही हैं। इस वर्ल्ड कप में खेलना है तो इस सीरीज में उन्हें लगातार रन बनाने होंगे। IPL 2023 में चमकने के बाद टेस्ट सीरीज में अच्छा करने वाले यशस्वी जायसवाल को इस मैच में मौका मिल सकता है। उन्हें शुभमन गिल की जगह मौका मिल सकता है। इनके अलावा टीम में कोई और बदलाव होता नहीं दिख रहा। बॉलिंग यूनिट ने बीते मैच में अच्छा प्रदर्शन किया था। तीनों स्पिनर्स के साथ मीडियम पेस बॉलर्स ने विंडीज के बल्लेबाजों को सही स्कोर पर रोक लिया था। युजवेंद्र चहल वनडे सेटअप से लगभग बाहर ही हैं। एशिया कप और वर्ल्ड कप के मौके बनाने के लिए उन्हें T20I में अच्छा करना होगा। कुलदीप की वापसी अभी तक सही ही जा रही है, जबकि अर्शदीप की डेथ बॉलिंग में लगातार सुधार हो ही रहा है। बात ग्राउंड की करें तो यहां अभी तक कुल 11 T20I मैच हुए हैं, जिनमें से 3 बारिश से धुल गए, जबकि बाकी 8 में से 5 में वेस्टइंडीज को हार मिली है। लेकिन क्रिकेट के छोटे फॉर्मेट में इस टीम को हल्के में नहीं ले सकते। निकलस पुरन, काइल मेयर्स, शिमरन हेटमायर, रोमन पोवेल जैसे हिटर्स वाली ये टीम किसी भी बॉलिंग लाइनअप को परेशान कर सकती है, इसलिए टीम को अपने प्लान्स पर बेहतर तरीके से काम करके उतरना होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो के लिए स्क्रिप्टिंग की है सूरज ने। मैं हूं गरिमा। स्पोर्ट्स से जुड़ी खबरों के लिए आप लोग देखते रहिए ललन टॉप स्पोर्ट्स। शुक्रिया।